में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने एक एहतजाजी रैली की रैली निकाली जिसकी क्यादत सीनियर रहनुमा डॉक्टर बाबर अवान कर रहे थे, जबकि पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर इम्तियाज सफदर वराइच, रुकने कौमी असम्बली तस्नीम कुरैशी, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज समेत हजारों की तादाद में पार्टी कारकुनान शरीक हुए। रैली केंची चौक से शुरू होकर फातमा जिना रोड कचहरी बाजार से होती हुई प्रेस क्लब जाकर इख्तिताम पजीर हुई। कई मकामात पर रैली को रोककर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए रैली में दीगर काफिले भी शरीक होते गए और शुरका की तादाद इतनी बढ़ गई कि चंद मिनट का फासला घंटों में तय हुआ। रैली के रास्तों पर जगह जगह बैनर्स और पोर्ट्रेट लगाए गए थे जिन पर पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली के शुरका ने पंजाब हुकूमत के इकदाम पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि पंजाब में इंतजामिया नाम की कोई चीज़ नहीं, लोगों को दिन दहाड़े लूटा जा रहा है और हुक्मरान सिर्फ जुबानें जमा खर्च करने में मसरूफ हैं। शुरका का कहना था कि मुल्क को मौजूदा बहरानों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरी हुकूमत ही निकाल सकती है। नवाज शरीफ को जाती मुफादात के बजाय कौमी मुफाद को मद्देनजर रखना चाहिए और जमहूरी हुकूमत का साथ देना चाहिए।